पॉइंट, मैं कुणाल शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन बोला गया है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली ये वही दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि आपको वेरिएबल एक तरफ रखना है और कांस्टेंट्स एक तरफ रखना है। वेरिएबल वो होते हैं जिनके साथ एक्स लगा होता है या वाई, कोई भी अल्फाबेट लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब वेरिएबल को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड ले लेंगे। वेरिएबल जो होते हैं ये वाले, और कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये जिनके अंदर एक्स और कोई भी अल्फाबेट नहीं लगी होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स अपॉन 2 को यहीं रखेंगे हम, और देखिए ये वाला हमारा इधर आ जाएगा। ये अगर यहाँ पर ये प्लस का है, कुछ नहीं होता ना किसी डिजिट के आगे, तो वो प्लस की होती है। यहाँ प्लस का है तो इधर आकर के हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 3 इस तरीके से, फिर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 है प्लस का। ये देखिए इधर ये माइनस का है, सेम जैसा जो दिखता है उसको रखिए। अब यहाँ पर इसको रखूंगा मैं, ये माइनस का है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस का, राइट हैंड साइड में जा करके ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस 1 अपॉन 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपको प्लस और माइनस दिया हो इस तरीके से फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, नीचे वालों का एलसीएम लेकर के, मतलब डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के इनको घटा देना है। सबसे पहले एलसीएम लेकर के इन्हें सिमिलर बनाते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। एलसीएम लेते हैं कुछ इस तरीके से, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 वंस इज 2, 3 का 3 सेम आ जाएगा, 3 वंस इज 3। तो यहाँ पर 2 3 6, मतलब एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया इन वालों का, इन दोनों का। तो इन्हें 6 कैसे बनाना है हमें डेनोमिनेटर को, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 3x अपॉन में ये हो जाएगा 6, फिर माइनस का माइनस आ जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा ये 2x, क्योंकि 2 एकम 2x हो जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 6, फिर इक्वल्स टू में ऐसे ही इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। अब देखिए 4 और 5 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से करूंगा ये 2 बार जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा, फिर 2 से एक बार, 5 का 5 सेम, और 5 से एक बार, 5 दुनी 10 दुनी 20, मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करनी है, ये 20 हो गया। अब 20 कैसे बनाएंगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 5 एकम 5 अपॉन में 20 प्लस 4 एकम 4 अपॉन में 20, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिए इन्हें कर लीजिए सॉल्व। अब नीचे की जब डिजिट सेम हो जाती है ना, ये डेनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट इसको अब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए इसका। देखिए अब 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, x अपॉन 6, ठीक है, और इक्वल्स टू में, और 5 और प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 20 आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही ईजी बन चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब भी इक्वल्स टू में ऐसे रैशनल नंबर दिया हो आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए 20 की जब मैं x में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाता है 20 इंटू एक्स करता हूँ और इक्वल्स टू 6 इंटू 9 करता हूँ, 6 इंटू 9, मतलब 6 की मल्टीप्लाई 9 में करी है और 20 की मल्टीप्लाई x में करी है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 20x इंटू करना है हमें इसको, और ये 6 निम 54, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब x को जब हम खाली छोड़ेंगे तो इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54 अपॉन में 20। अब देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कॉमन टेबल देखना है आपको, सिंपली बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है कि देखिए कॉमन टेबल, हाँ लास्ट के में यहाँ देखिए ये 2 के में भी आता है 4, और ये भी 2 के में आता है, लेकिन हमें बड़ा देखना है इसमें क्या है। देखो 4 के में ये 20 आ जाएगा, 4 5 20, और देखो 4 एकम 4, और यहाँ पर 1 देंगे तो ये नहीं आ पाएगा 4 के में, है ना भाई, जब 4 एकम 4 ही हो जाएगा, 1 इसको देंगे 14 हो जाएगा, 4 के पाड़े में 14 नहीं आता। तो यहाँ क्या करना है हमें, 2 से इन्हें डिवाइड करना है, 2 से करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 बार जाएगा, 2 1 6 2, 0 का 0, और यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, और 1 इसको दे 2 7 14। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया है,
27 बट्टे 10, इस तरीके से हो गया ये 27 बटे 10 एक्स बराबर आ गया हमारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।